लालू यादव तो मसीहा है गरीबों का, कितना को गरीब को उठा उठा के MLC बनाए, कितना को उठा के विधायक बनाए, कितना को राज्यसभा भेजा, कितना को लोकसभा भेजा। ये लोग मोदी जी क्या बोलेंगे, एक भी गरीब के बेटा का नाम बता दे कि एक भी गरीब का बेटा को उन्होंने लोकसभा में या कहीं भेजने का काम किया हो। ये दरभंगा में एम्स बना दिए, और ये क्या बोलता है पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, यही विकास किए हैं। सबसे बड़का झूठा अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री है, जो कि झूठ पर झूठ, और अमित शाह, दोनों झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर खड़ा होकर के सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। कौन कहा आपको? परिवारवाद पर झूठ बोलते हैं कि ये पार्टियां परिवारवाद में लिप्त हैं। तो उनको आईना मैंने दिखाने का काम किया है कि देखो भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे यहाँ कितना परिवारवाद है। भाजपा सब का परिवारवाद विश्व की सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी है। अरे सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी परिवारवाद की पार्टी है। आंखें खोलकर देखो भाजपा का परिवारवाद। बिहार की जनता को करे पुकार भाजपा, भारत छोड़ो NDA सरकार, यानी NDA पर ये लोग प्रहार कर रहे हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि महागठबंधन को लेकर के साफ तौर पे कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जिस तरह से घोटालेबाज हैं सब महागठबंधन में हैं, उसको लेकर के यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं। और तेजस्वी जी आज भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और लोगों से मिलकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो अमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है वो तेजस्वी यादव का देना है। भाई रे महंगाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश की जनता और साथ ही साथ राजद पर लगे पोस्टर में दिख रहा है। यहाँ पे एक तरफ देखिए हाय रे महंगाई तू कहाँ से आई, ठीक है। दूसरा उस तरफ दिखाइए जनता आंखें खोल कर देखो भाजपा का परिवारवाद। बिहार की जनता को करे पुकार भाजपा, भारत छोड़ो NDA सरकार, यानी NDA पर ये लोग प्रहार कर रहे हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि महागठबंधन को लेकर के साफ तौर पे कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जिस तरह से घोटालेबाज हैं सब महागठबंधन में हैं, उसको लेकर के यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं। और पोस्टर लगाने वाले भाई अरुण जी हैं, अभी हमारे साथ बात करेंगे। भाई अरुण जी, किस तरह से ये सब पोस्टर लगा रहे हैं भाजपा आप लोग पर, कहते हैं आप लोग भाजपा पर कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर खड़ा होकर के सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। कौन कहा आप? परिवारवाद पर झूठ बोलते हैं कि ये पार्टियां परिवारवाद में लिप्त हैं। तो उनको आईना मैंने दिखाने का काम किया है कि देखो भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे यहाँ कितना परिवारवाद है। ये सब परिवारवाद थोड़ी है। तो क्या है, क्या है? ये लोग तो अपने दम पे बने हैं ना। दम पर तो यहाँ दूसरा कोई दम पर बना है क्या? दम पर बना है कौन इसमें, जो मैंने लिस्ट जारी किया है उसमें कर्मशः जारी, अभी लिखने लगेंगे तो किताब लिखा जाएगा। जी, भाजपा सब का परिवारवाद विश्व की सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी है। अरे सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी परिवारवाद की पार्टी है। ये मैंने दिखाने का काम किया है। वो नजर आ रहा है महागठबंधन में सब परिवारवाद है। महागठबंधन में तो परिवारवाद है ही नहीं। महागठबंधन में बाकी जगह देखिए परिवारवाद कहाँ है। ये लालू यादव और के बेटे के जहाँ तक बात वो करते हैं, तो लालू यादव का बेटा तेजस्वी जी किस प्रकार से काम किए ये हम लोग देखे हैं, किस प्रकार से पार्टी का कार्यकर्ता बनकर हम लोग के साथ काम किए हैं। ये इसमें से एक भी है, इसमें एक भी नहीं है। ये सब लोग ऊपर से टपका है, बाप के विरासत को संभाला है। लेकिन तेजस्वी जी आज भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और लोगों से मिलकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो अमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है वो तेजस्वी यादव का देना है। लालू यादव तो मसीहा है गरीबों का, कितना को गरीब को उठा उठा के MLC बनाए, कितना को उठा के विधायक बनाए, कितना को राज्यसभा भेजा, कितना को लोकसभा भेजा। ये लोग मोदी जी क्या बोलेंगे, एक भी गरीब के बेटा का नाम बता दे कि एक भी गरीब का बेटा को उन्होंने लोकसभा में या कहीं भेजने का काम किया हो। कहीं नहीं, सब बड़े बड़े लोग को ये लोग भेजने का काम करते हैं। जिस महंगाई के दम पर नरेंद्र मोदी शासन में आए थे, महंगाई का मां नहीं बोल रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है यूपी में। विकास भी तो हो रहा था, वो तो महंगाई है। विकास से पेट भरेगा क्या? अब विकास कौन कर रहा है?
मोदी जी क्या विकास किए मोदी जी, ये दरभंगा में एम्स बना दिए और ये क्या बोलता है पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, यही यही विकास किए हैं। सबसे बड़का झूठा अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री है, जो कि झूठ पर झूठ, और अमित शाह दोनों झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। और मणिपुर की बेटी कह रही है मेरी आवाज सुनो, इनका आवाज कौन सुनेगा? मोदी जी सुनते हैं। कहाँ सुन रहे हैं? देखे ना लाल किला से बोले, कहाँ सुन बोले से, अरे वहाँ रोज हत्याएं हो रही है, रोज महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है और आप चैन की बांसुरी बजा के सो रहे हैं। अच्छा, बीजेपी लगातार कहती है लालू यादव को लेकर के कि घोटालेबाज हैं। भाई तो घोटाला बंधन, देखा घोटालों का सरताज, घोटालों का राजा नरेंद्र मोदी है। कैसे आप कह रहे हैं राजा है? देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ, पोस्टर में मैंने दिखाया है पोस्टर, अभी कैग रिपोर्ट पर अभी जारी करेंगे पोस्टर। कैग रिपोर्ट आ रहा है, उसमें 10 किस्म के घोटाला अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई। जी वो तो कह रहे हैं कि सब घोटालेबाज जो है महागठबंधन में है, तो वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि महागठबंधन में है कि आप में है। सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी के शासनकाल में सब जगह हो रहा है, लेकिन उसे दबाया जाता है पैसा के बल पर। गोदी मीडिया जो है उसके घोटाले को नहीं दिखाती। जी देखिए, तो गोदी मीडिया जो है वो घोटाले को नहीं दिखाते। एक बार तस्वीर दिखा दीजिएगा प्रपोस्टर का, जो घोटाले का बंधन यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें सभी लोग जो एनडीए में शामिल हुए हैं और जो एनडीए के साथ है उन पे क्या क्या आरोप लगाया घोटाला का, और परिवारवाद का देखिए इस तरफ जो है परिवारवाद का, जो भी बीजेपी के साथ है और एनडीए के साथ है उनमें कौन कौन लोग परिवारवाद हैं वो भी इस तरफ दर्शाया गया, और महंगाई जिस तरह से पूरे भारत में जो महंगाई है उसको लेकर के वहाँ पे दर्शाया गया है। पहले वो तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरह से महंगाई है, और दूसरा जो मणिपुर की घटना को लेकर के जो है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया। तो ये अरुण भाई अरुण जी थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब जो है भारत से एनडीए को हटाना है, किस तरह से हटाना है वही पोस्टर के दर्शा रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हम सभी भ्रष्टाचारियों का अगर किताब लिख दें, अगर सभी घोटालेबाजों का अगर बारे में बताने लगे तो एक छोटा सा किताब तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।